जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सराय आलमगीर सरदार हाउस में, और मेरे साथ मौजूद हैं मेंबर सूबाई असेंबली चौधरी अरशद साहब। आइए इनसे जानते हैं कि ये जो इलेक्शन हुआ है LA 38 का जम्मू का, और उसके साथ सियालकोट का इलेक्शन हुआ है, इस हवाले से जो साहब क्या आवाम को क्या मैसेज देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ अपडेट कोटला का शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए और मेरे ख्याल जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, सियालकोट की सीट की बात मैं पहले करूँगा तो वो हिस्ट्री गवाह है कि जब से वरियो ख़ानदान सियालकोट में एज ए पॉलिटिक्स में वो उन्होंने ज्वाइन किया, तब से लेके अब तक वो सीट उन्होंने हारी नहीं है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने वो सियालकोट वाली सीट जीती। रही बात कि जीतने की, लोग कई बातें करते हैं लेकिन इसमें शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को जैसे कश्मीर में कामयाबी मिली, उसके बाद ये बात रोज़े रोशन की तरह आयां हो गई थी कि सियालकोट वाली सीट हम जीतेंगे, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने हम वो सीट हमारे नसीब में लिखी थी और वो मिली, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्राफ जो है वो मैं समझता हूँ बहुत हद तक ऊपर जा चुका है। रही बात आपकी कश्मीर वाली सीट की, उस हवाले से तो इसमें शक नहीं है कि साथियों ने, दोस्तों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, और उसकी वजह से, दोस्तों की मेहनत की वजह से हम अपना सराय आलमगीर तहसील में भी जीते और कोटला ककराली में मेरे हल्के में भी जीते। ओवरऑल PP 34 जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है उससे हम वो अकबर इब्राहिम साहब की सीट जो है उसके हवाले से हमारी अक्सरियत है, तो मैं उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ आपके वसादत से, और अपने वर्कर्स सपोर्टर्स साथियों को, सबको, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम साथियों को इन हवाले से मुबारकबाद पेश करता हूँ। साहब, जो इलेक्शन जीता है आपने अकबर इब्राहिम साहब वाला, उस हवाले से आप आवाम को किस नज़र से देखते हैं कि आवाम ने खान के विजन को किस तरह कबूल किया? देखें जी, ये तो बात बड़ी सीधी सी है, जब मुखालफीन तकरीर करते थे तो कोई तो बॉर्डर से आगे हमें लेके जाना चाहता था, कोई अपने कारकर्दगी सबका जो उनकी थी उसको शो कर रहा था, और सबसे बढ़ के महंगाई का वो वेला किया जाता था कि इस वक्त आटे दाल चावल रोटी की जो है महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि अवाम ने सही मेनू में जिस कह लें आपके जैसे शाऊर जिस कौम को होता है उसी का सबूत दिया है कि महंगाई जो हुई है, इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई हुई है, उसे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन महंगाई को पसे पर्दा रख के या एक साइड पे रखते हुए अवाम ने अकल से अपने फ़ैसले किए हैं, और जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए फ़ैसले थे वो वही फ़ैसला है जो इमरान खान का VN है। अवाम ने इमरान खान के VN का साथ दिया है, और उसका जो फ़ैसला है वो आपके सामने है कि इस वक्त इंशाल्लाह इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जैसे पहले भी कामयाबियाँ हासिल की थी, लेकिन ये कश्मीर के इलेक्शन की कामयाबी और सियालकोट वाली कामयाबी जो है ये बहुत बड़ी कामयाबी। जी नाज़रीन, इनका कहना था कि जो इलेक्शन हुआ आज़ाद कश्मीर का और सियालकोट का, इससे पता चलता है कि खान का VN है जो अवाम के दिलों में घुस गया है। जी।